Hi, hello students. Welcome to Pulse Excel. So today in this session we are going to discuss Saytzeff rule and the Hoffmann rule from the your what mechanism of organic reaction chapter. So these both the rules are going to be very very important in terms of your what elimination reaction student. So when we are going to be dealing with the elimination reaction, and in that elimination reaction when we are going to talking about the beta elimination reaction, means now this beta elimination will be classified into mainly three parts: E1 reaction, E2 reaction, E1 conjugate based reaction. Okay, now all these three types totally depending upon their mechanism path. Okay, so in that when they are going to be differentiate, okay, your E1, E2 and E1 conjugate base, so we have to follow certain rule. Okay, so these are the chart of your E1, E2 and E1 conjugate base, which I show you in the earlier video. So just take a look. When you are talking about your E1, E2 and E1 conjugate base reaction differentiation, you can talking about the one important point, which is known as what, your rejection selectivity. So your E1 reaction means your ileum molecular elimination reaction follow the Saytzeff rule, whereas your E2 elimination follow the Saytzeff as well as the Hoffmann rule, and your E1 conjugate base elimination reaction follow the Hoffmann rule. So what is this rule? Okay, तो वो आज मैं आपको इस सेशन में बताऊंगी, दैट व्हाट इज योर Saytzeff रूल एंड व्हाट इज योर Hoffmann रूल. सो जस्ट टेक अ लुक. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू बी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट. सो Saytzeff रूल यहाँ पर जो मेन ट्रिक है, लाइक एज यू ऑलवेज नो दैट ट्रिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी. तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द Saytzeff रूल, आपका जो मेजर प्रोडक्ट होता है बच्चों, वो हमेशा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्केन होता है. मतलब यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, अल्किन जो मिलेगा आफ्टर द एलिमिनेशन रिएक्शन, वो आपका मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन होगा. ठीक है, वेयर एज द इन द Hoffmann रूल द ट्रिक पॉइंट इज दैट योर मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन. तो ये सबसे दो पॉइंट चीजें आपको याद रखने हैं, दैट इन द Saytzeff रूल एंड इन टू द Hoffmann रूल, दैट इन द Saytzeff यू विल गेट मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड, वेयर एज इन Hoffmann रूल यू विल गेट द लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन. नाउ व्हाट इज द एग्जैक्टली रिएक्शन, कि हमें मोस्ट सब्स्टिट्यूट अल्किन कैसे मिलेगा. सो जस्ट टेक अ लुक ओवर हियर, आई जस्ट टेक द सम ऑफ द एग्जांपल. सो इन दिस केस व्हेन एवर वी आर गोइंग टू बी अटैच टू एनी कार्बन दिस हैलाइड ग्रुप, तो यहाँ पर आपका हैलाइड ग्रुप स्टूडेंट कौन सा है, दीज आर द एक्स, इसे बोलते हैं हम लोग हैलाइड. तो दिस एक्स विल बी योर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एनीथिंग. सो ये एक्स ग्रुप जिस कार्बन को भी अटैच होगा, उस कार्बन को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, अल्फा कार्बन. तो अल्फा के बाद अब मेरे पास यहाँ पर वन मोर बीटा कार्बन है, और इस साइड पे मेरे पास बीटा कार्बन है. ठीक है, नाउ वी हैव टू सिलेक्टिंग, बिकॉज एलिमिनेशन में हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, वी हैव टू ब्रेक डाउन योर सी एक्स बॉन्ड एज वेल एज द सी एच बॉन्ड, एंड योर एच एक्स ग्रुप विल बी रिमूव एलिमिनेशन. तो उसे हम लोग एलिमिनेट, बिकॉज एलिमिनेशन रिएक्शन इज नथिंग बट वॉट, रिमूवल ऑफ द टू एटम्स और द टू ग्रुप्स और द वन ग्रुप और वन एटम फ्रॉम द योर मॉलिक्यूल, दोज रिएक्शन इज नोन एज व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एच एक्स ग्रुप रिमूव करेंगे, मतलब हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, ओके, एंड फ्रॉम अल्फा कार्बन से हम लोग क्या रिमूव करेंगे, लिविंग ग्रुप, मतलब यार हैलाइड ग्रुप. सो जस्ट टेक अ लुक ओवर हियर. सो आई जस्ट सपोज टू टेक, ओके, ओवर हियर प्रॉपरली यू आर गोइंग टू बी सी द प्रोडक्ट विल बी योर सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड. अब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सी एच सी एच थ्री एंड दिस सी एच थ्री विल बी एज सच. तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन स्टूडेंट कौन सा रिमूव किया, इफ यू आर गोइंग टू सी द प्रॉपरली, आई एम गोइंग टू बी सिलेक्टिंग आउट ऑफ द टू बीटा. अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, सो आई एम गोइंग टू बी सिलेक्टिंग दिस हाइड्रोजन. तो मेरा एच एक्स ये यहाँ से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, रिमूव हो रहा है. तो विच हाइड्रोजन नाउ आई एम गोइंग टू बी सिलेक्टेड, जहां पर मेरा जो बीटा कार्बन है, जहां पर मेरा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कम है, वो कार्बन मैंने, वो बीटा कार्बन मैंने सिलेक्ट किया. अगर मैं इस कार्बन को चूज करती हूँ, तो यहाँ पे हाउ मेनी टोटल हाइड्रोजन, थ्री, यहाँ पर कितना है, वन. तो जहां पर मेरे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है, वो मुझे बीटा कार्बन यहाँ पर चूज करना है, तो मुझे जाके ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, जिसे हम लोग Saytzeff प्रोडक्ट. तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ट्रिक पॉइंट है स्टूडेंट, वो ये है दैट एलिमिनेशन ऑफ एच प्लस फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, दैट यू हैव टू सिलेक्टेड वॉट, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बीटा कार्बन, उससे हमें क्या करना है, आपको हाइड्रोजन को रिमूव करना है. तो उसे हम लोग बोलते हैं Saytzeff प्रोडक्ट, तब जाके आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मिलेगा. वेयर इन द Hoffmann रूल, एज आई अर्लियर सेड दैट लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन आपको मिलेगा. सो जस्ट टेक अ लुक, ये है आपका हैलाइड ग्रुप ओवर हियर स्टूडेंट. ठीक है, तो ये हुआ मेरा अल्फा पोजिशन. ठीक है, अब ये है मेरा बीटा, ये है मेरा बीटा कार्बन. अब इसमें से
which hydrogen I am going to be selected to the removal. So that you should keep in mind here, over here. The trick is that elimination of H plus from the beta carbon, which has the maximum number of hydrogen. अब यहाँ पे maximum number of hydrogen select कीजिए कहाँ पर, यहाँ पर है दो, यहाँ पर है three. तो definitely I am going to be selecting hydrogen from this compound. So I am going to be removing HX. ठीक है, तो आपको जाके यहाँ पर double bond मिलेगा. So this will be a least substituted alkene. उसे हम लोग यहाँ पर बोलते student Hoffmann product. तो ये सिर्फ दो trick आपको यहाँ पर याद रखने, number one and this will be the number two. Here will be number 1 and number 2. I hope so now you should very easily understanding the your what is the Saytzeff rule and what will be the your Hoffmann rule. So thank you so much student for the watching this video, and really if you like this video, don't forget to subscribe us. Thanks a lot.